नमस्कार दोस्तों, अल्फा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए जो रिवीजन मॉड्यूल हमने शुरू किया था, वो रिवीजन मॉड्यूल में हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स देख चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्पोर्ट्स एंड योगा हो, चाहे बिहेवियर हो, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट बना करके चैनल पर अपलोड कर दी गई है। उनके जिनको नोट्स चाहिए थे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि नोट्स के लिए, तो वो नोट्स के लिए हम लोग है ना एक गूगल फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उसको फिलअप करके आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा और उसके थ्रू आपको नोट्स का पीडीएफ वहां पर आपके मतलब स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही नोट्स की और बाकी जो हमने कवर कर लिया पहले, उसके बाद में हम लोग एथिक्स हम लोग शुरू कर चुके थे। एथिक्स में हमने देखो जो पहला लेक्चर देखा था, आप शुरू करो अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले वो वाला देख लेना, क्योंकि 100% श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, पर 100% श्योरिटी है और जहां तक मुझे लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर आप देख लेना, उसमें हमने बेसिक एथिक्स क्या है, एथिक्स की जरूरत एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों है, लाइफ में क्यों है, ये सब देखा था। और सेकेंडली हमने रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रोल ऑफ सोसाइटी देखा था वैल्यू इनकल्केशन में। फिर आज हम लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। एक बार मैं देखो एक बार हम लोग सिलेबस देखते हैं। ये जो सिलेबस की हमने बात की थी, मैंने आपको कहा था कि हम लोग ये मतलब मैंने लाइन से नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग ये एक टॉपिक है ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ये अकेला टॉपिक है ना, लगभग 3 या 4 लेक्चर्स में होगा कवर, है ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे नहीं, 3 4 लेक्चर्स इसके बनेंगे। उसके अलावा जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक एक लेक्चर्स होंगे, है ना। तो 3 4 लेक्चर्स मान लो इसके हो जाएंगे, तो इसके बाद में 2 4 6 और 8, है ना, तो 8 मतलब टोटल 12 13 लेक्चर्स जितने हमने हमारे लेक्चर्स उसके हुए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उतने लेक्चर्स होंगे। अब बात रही कितने दिन तो बचे नहीं है, तो इतने लेक्चर्स कवर कैसे करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं 12 13 लेक्चर्स, ये सारे के सारे बाय संडे, है ना, मैं मतलब बाय आज आज 20 तारीख है, तो आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे और संडे, बाय 24th है ना, 24th बाय द एंड ऑफ द डे मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट एथिक्स उसको रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दूं। फिर आप लोगों को जैसे जैसे देखना हो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई रहेगी और वो प्लेलिस्ट के साथ में आप लोग देख लेना, ठीक है। और उसी के साथ में जो जो बाकी सब्जेक्ट भी है, जैसे मैंने ऑडिट के लिए बोला था कि मैं ऑडिट का इसके साथ में स्टार्ट करूंगा, पर ऑडिट मैंने जो सब्जेक्ट देखा वो बहुत छोटा सा है, मतलब हार्डली उसके 7 8 पेजेस के नोट्स हैं, है ना, 7 8 पेजेस के नोट्स हैं, तो उसको क्या है कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वाला सारा सेटअप करना और ये सब करना कि अपने आप में थोड़ा 10 15 मिनट का टाइम खा जाता है, तो इसलिए 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऑडिट हम लोग ऑडिट भी संडे को मैं एक साथ रिकॉर्ड करके और वो कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो बाकी अपने 3 सब्जेक्ट्स बचेंगे वो संडे को हम लोग प्लान करते हैं। अब देखो लेक्चर 2 में कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। अब इंडिया और वर्ल्ड के, इंडिया के तो देखो जो थिंकर्स हैं उसमें मेनली तो महात्मा गांधी हैं और भगवत गीता का जो फिलोसफी है वो है, तो वो तो हमको अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, पर उसके अलावा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ये सारे जो थिंकर्स हैं इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर अभी आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, हम आज देखेंगे एथिक्स एज अ सब्जेक्ट, है ना। हमने पहले बात की थी कि फिलोसफी है ना, फिलोसफी का जो पार्ट है उसमें हमने देखा था कि फिलोसफी के 3 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट एथिक्स था। अब एथिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या इसके और भी पार्ट्स है, डिविजन है, तो देखो इसको बोले डायमेंशन ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम बोलते हैं। तो नीति शास्त्र के आयाम देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस देखो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, एक सेकंड ये रेज कर देता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है, नियामकीय नीति शास्त्र, ये नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। फिर मेटा एथिक्स अधिनीति शास्त्र क्या होता है ये देखेंगे। फिर अप्लाइड एथिक्स व्यवहारिक नीति शास्त्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी, ये कैसे डिवाइडेड है, मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स की फिलोसफी थी उसके अकॉर्डिंग, फेमिनिस्ट जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं उनकी अकॉर्डिंग ये कॉमन फिलोसफी है उनकी। फिर ब्लैक ब्लैक जो एथिक्स है वो जो ब्लैक स्किन कलर है जिन लोगों का अमेरिका और बाकी जगह जो वो चर्चा में रहते हैं, तो उनकी जो फिलोसफी है उसके बारे में। और सिगमंड फ्राइड की जो फिलोसफी है, फ्राइडियन फिलोसफी, तो ये मॉडर्न आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम लोग एथिक्स ये 4 डिविजन में देखेंगे। फिर इसमें जो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस में जो नॉर्मेटिव एथिक्स है नियम की है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी 3 डिविजन है जिसको हमने डीऑन्टोलॉजिकल एथिक्स या ड्यूटी एथिक्स बोला है ना। ये परिणाम निरपेक्षता की बात करती है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आप परिणाम के बारे में चिंता करके या परिणाम के बारे में अपेक्षा करके उस काम को ना करोगे तो वो एथिकल माना जाएगा। फिर टेलियोलॉजिकल या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म होती है, ये परिणाम सापेक्षता की बात करती है, ये कहती है कि आपको आप कुछ भी काम करोगे उसमें परिणाम की तो चिंता रहेगी, परिणाम के लिए ही तो इंसान काम करेगा। तो और इसके अलावा जो तीसरा है वो क्या है, वर्चू एथिक्स, है ना, सद्गुण नीति शास्त्र, ये बात करते हैं कि अब भाई एक पर्टिकुलर कोई मॉरल काम है या एक काम है उसको करने के लिए हम लोग 70 चीज के बारे में विचार नहीं कर सकते। तो ये सद्गुण नीति शास्त्र वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक कॉमन जो सद्गुणी लोग हैं उनकी हम लोग लाइफस्टाइल देखेंगे, उनके हम विचारों को जानेंगे और वैसे ही विचार हमारे बनाएंगे खुद के, तो हम लोग वो मॉरलिटी को अपना पाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों है, डीओंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और वर्चुअल एथिक्स, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो
तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे डीओंटोलॉजिकल एथिक्स में सबसे पहले थिंकर इमैनुअल कांट आते हैं, वो उनके बारे में देखेंगे कि इमैनुअल कांट ड्यूटी के ऊपर डीओंटोलॉजिकल में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि कांट ड्यूटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, उनके हिसाब से जो काम ड्यूटी की भावना से किया जाता है वो काम सद्गुण, मतलब वो मॉरल काम है। फिर भगवद गीता को देखेंगे, भगवद गीता में तो आपने देखा ही है ना, कर्मण्येवाधि कारस्तु, तो ये भगवद गीता की जो भी फिलोसफी है वो हम लोग इसमें भी नहीं देखेंगे, तो जो अलग से लेक्चर, जो क्योंकि हमारे पास भगवद गीता का अलग से एक चैप्टर है। फिर इंट्यूशनिज्म, इंट्यूशनिज्म अंतः प्रज्ञावाद, ये लोग क्या कहते हैं कि आप में जो भी मॉरलिटी है तो आप वो चीज मॉरल है कि नहीं है, एथिकल है कि नहीं है, ये हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ में उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको अंदर से पता होता है कि क्या चीज सही है कि क्या चीज गलत है। तो ये लोग कहते हैं कि आप इंट्यूशंस के हिसाब से काम करो, आपको पता है अंदर से कि है ना क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। फिर टेलियोलॉजिकल एथिक्स की बात करेंगे तो टेलियोलॉजिकल में क्या इगोइज्म आता है, स्वार्थवाद, ये लोग कहते हैं कि जो इंसान है वो पैदाइश से ही स्वार्थी है ना। जैसे मान लो बच्चों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अपन छोटे बच्चे होते हैं, वैसे तो बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं, पर बच्चों में स्वार्थ की भावना आती कहाँ से, जब वो पैदा होता है तब भी से वो स्वार्थी हो जाता है। अगर मान लो कि उसको भूख लगी है तो वो रोने लग जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि घर में आसपास कौन है, क्या माहौल है, कुछ भी है, उसको भूख लगी है वो इतना स्वार्थी कि वो रोने लग जाएगा, उसका बिस्तर गीला है तो वो रोने लग जाएगा, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो रोने लग जाएगा। तो ये स्वार्थवाद की भावना है। तो ये स्वार्थवादी कहते हैं कि जब इंसान पैदाइश से ही स्वार्थी है तो स्वार्थी होना ही मॉरल है। फिर हेडोनिज्म, ये सुखवाद की जो फिलोसफी होती है, जैसे कि आप जानते हो कि जो ये कहना चाहते हैं कि जो चीज आदमी को सुख महसूस कराती है ना, वही चीज मॉरल है ना। जैसे कि भारत में ऐसी माना जाता है कि चार्वाक ऐसी फिलोसफी है, तो चार्वाक दर्शन में वो लोग यही कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे, है ना, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे वो ऋण लेकर के और आप घी पियो, पर है ना जब तक जियो सुख से जियो। ठीक है, फिर यूटिलिटेरियनिज्म की बात आती है, तो उपयोगितावाद, उपयोगितावादी क्या कहते हैं कि ऐसा काम मॉरल है जो मैक्सिमम मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पहुंचाता है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सुख पहुंचाता है वो काम मॉरल है। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म को ये अपन बेसिक बात कर रहे हैं, उसके बाद में एक एक करके इनको देखेंगे। फिर इवोल्यूशनिज्म, इवोल्यूशनिज्म में देखेंगे कि जैसे जैसे अपन ने देखा कि मानव है ना, तो इसका इवोल्यूशन होकर के मानव बना है। ठीक है, जैसे पहले अगर ये बंदर था तो बंदर से ये मानव बना है, तो ये इवोल्यूशन हुआ, फिजिकल इवोल्यूशन। बट जब मॉरल इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जैसे फिजिकल इवोल्यूशन है वैसे ही मॉरल इवोल्यूशन भी हो रहा है, और मॉरल इवोल्यूशन क्या हो रहा है, जो पहले मॉरल वैल्यूज थी उससे ज्यादा मॉरल वैल्यूज अच्छी होती ही जा रही है जैसे जैसे इवोल्यूशन के फेज आगे बढ़ते हैं। फिर परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म परफेक्शनिज्म की तरफ बात करता है कि हमें हमेशा 100% मॉरलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर वर्चुअ एथिक्स की बात देखो तो वर्चुअ एथिक्स में सबसे पहले सॉक्रेटिस आते हैं, इनसे पहले देखो सोफिस्ट भी आते हैं और उनसे पहले भी कुछ थिंकर्स हैं ना, उनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें सोफिस्ट के बारे में देख लेंगे, पर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सोक्रेटीज, प्लेटो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में एरिस्टोटल जो है, अरस्तु, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कन्फ्यूशियस और टाओविज्म, ये क्या एक चाइनीज थिंकर है, तो ये भी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हम लोग नहीं देखेंगे, बस नाम आप याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक, ये चार्ट भी आपको याद रखना है सीधे सीधे, अगर मान लो 5 नंबर में पूछता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम, आप ये चार्ट बना के आ जाओगे, इससे अच्छा कुछ भी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। हमने देखो पहले देखा नॉर्मेटिव एथिक्स होता है, मेटा एथिक्स होता है, अप्लाइड एथिक्स है ना। अब नॉर्मेटिव एथिक्स तो हमने देखा, ये जो डिविजन है हम लोग मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स देते हैं। तो मेटा एथिक्स देखो, हमारे ये जो आरएस का सिलेबस है इसमें अलग से टॉपिक दिया हुआ है, मेटा एथिक्स नाम से नहीं लिखा हुआ है, पर हम वो 5 ऐसे गुण 5 ऐसी चीजें हैं जिसमें हम करते क्या है मेटा एथिक्स में, कि एनालिटिकल स्टडी करते हैं किसकी, एथिकल इशू। तो अब देखो मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स में क्या है, इसमें हम लोग करते हैं एनालिटिकल स्टडी ऑफ एथिकल इशूज, है ना, जो भी एथिकल इशूज हमारे सामने आते हैं उसकी एनालिटिकल स्टडी किस सब्जेक्ट में की जाती है, मेटा एथिक्स में। अब ये हमारे पास आरएएस मेंस का जो सिलेबस है उसमें आपको पता होगा 5 टॉपिक्स ये दिए हुए हैं ना, हमने पहले भी देखा था ड्यूटी, गुड, वर्चू, रित और ऋण, है ना। ये रित और ऋण ऐसे कंसेप्ट है, इनका इंग्लिश में कोई नाम नहीं है ना, ऋण को तो वैसे भी लोग इन डेप्ट या डेप्ट बोल देते हैं, पर रित का कोई इंग्लिश नाम नहीं है। तो ड्यूटी, गुड, वर्चू, ये सब हम लोग उस टॉपिक में देखेंगे, पर मेटा एथिक्स ध्यान रखना है क्या, एनालिटिकल स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज कंडक्ट होता है इसमें। फिर अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो ये व्यवहारिक नीति शास्त्र क्या होती है, जैसे मेडिकल एथिक्स है, स्पोर्ट्स एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, जब अलग अलग जगह पर अलग अलग जो वर्क एरिया है वहां पर अलग अलग, ये जो अपने पहले इससे पहले जितने भी मॉरल रूल्स की हम लोग बात करेंगे, आगे थिंकर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं उन मॉरल रूल्स की बात करेंगे, परंतु वो क्या है, वो जनरलाइज है ना। पर मेडिकल जब आप हॉस्पिटल में होंगे या कोई स्पोर्ट्समैन है उसके लिए अलग होंगे, बिजनेसमैन के लिए अलग होंगे, तो ऐसे अलग अलग चीजों का इवैल्यूएशन अप्लाइड एथिक्स में किया जाता है। जैसे मेडिकल एथिक्स में एक एग्जांपल आता है कि आप अगर मान लो कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, अब वो पेशेंट की डेथ हो चुकी है, परंतु हॉस्पिटल अपना बिल बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को या फिर जो उसके रिश्तेदार है उसको ऐसे बोलता है कि नहीं अभी पेरेंट जो पेशेंट है वो स्टेबल है और उसका क्या है आईसीयू में है, तो वो 2-3 दिन तक बिल बनाता रहता है, उसके बाद बोलता है कि अब वो जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है, तो ये मेडिकल एथिक्स के विरुद्ध है। तो ऐसी बातें इसमें अप्लाइड एथिक्स में इवैल्यूएट की जाती है। फिर एक एनवायरमेंटल एथिक्स इसी का पार्ट है, वो आता है उसमें देखो क्या होता है, इन दिस मॉरल इवैल्यूएशन किसका किया जाता है, ह्यूमंस और एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसका मॉरल इवैल्यूएशन कंडक्ट किया जाता है। तो ये अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स है, देख लेना, बस याद रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटा सा ही पार्ट है, बाकी मेटा एथिक्स का जो पार्ट लंबा चौड़ा पार्ट है वो हम लोग देखेंगे अलग वीडियो में।
फिर अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न आइडियोलॉजीज की। अब मॉडर्न आइडियोलॉजीज जो है वो मार्क्सिस्ट एथिक्स, अपन ने देखा मार्क्सिस्ट है, फेमिनिस्ट है, ब्लैक एथिक्स है और फ्राइडन एथिक्स है। तो मार्क्सिस्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि मार्क्स जो है वो क्या कहते थे, है ना, कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स ही, देखो फोटो मेरे को इंटरनेट पर ये मिली है। अब कार्ल मार्क्स जो जो बातें करते थे उनसे हमने क्या डिराइव किया है वो है। वैसे इनकी जो कुछ किताबें हैं जैसे दास कैपिटल जैसी किताब, तो उसमें से हमको कुछ चीजें मिलती है, उसको हमने जो एथिकल रूप दे दिया उनको हमने मार्क्सिस्ट एथिक्स कह दिया। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहते हैं, ये इक्वालिटी सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। फॉर दिस ही डिड नॉट एम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ मीन्स, है जो साधनों का इस्तेमाल है, साधन कैसे भी हो, ये कहते हैं सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। इनका क्या मानना है कि सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एक तो कैपिटलिस्ट क्लास है और एक लेबर क्लास है ना, एक तो बुर्जुआ क्लास है और एक प्रोलिटेरिएट क्लास है। ये दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, और ये स्ट्रगल इसलिए चलता रहता है क्योंकि कैपिटलिस्ट है ना अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जितनी भी इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए लेबर क्लास को इस्तेमाल करती है। तो ये कहते हैं लेबर क्लास को जागने के लिए और आंदोलन करने के लिए, ताकि क्या हो सके, समाज में इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो सके। तो ये बेसिक कार्ल मार्क्स की जो एथिक्स है उसके बारे में है। अब देखो हम एक बार रीड आउट करते हैं इसको कि ये क्या क्या कह रहे हैं। तो देखो ये कह रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्स इज टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी इन सोसाइटी। फॉर दिस ही डिड नॉट एम्फसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ मीन्स। अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कैपिटलिस्ट दैट इज बुर्जुआ क्लास एंड लेबर क्लास दैट इज प्रोलिटेरिएट। अब अ स्ट्रगल इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू विच इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल, है ना, ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। अब क्लास स्ट्रगल के बाद में ये कह रहे हैं, प्रेजेंट मॉरल रूल्स, आज जो भी हम मॉरल रूल्स देख रहे हैं ये बुर्जुआ क्लास या कैपिटलिस्ट ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, मतलब ये बनाने में इन्होंने कभी लेबर क्लास को ध्यान में रखा ही नहीं है। देयरफॉर नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू रीडिफाइन इन मॉरल रूल्स को, क्या करना है आपको, रीडिफाइन करना है। फॉर दिस एक वायलेंस इज कंसिडर्ड इमोरल, है ना, जैसे कि वायलेंस तो इमोरल है, पर इसके लिए अगर वायलेंस भी होती है तो वो मॉरल है। इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए अगर वायलेंस भी होती है तो वो क्या है, मॉरल है। फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको, रिलीजन को, नेशन को, स्टेट की थ्योरी को भी ये रिजेक्ट करते हैं, फैमिली की थ्योरी को भी ये रिजेक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी, देखो जो कार्ल मार्क्स है ना इनके ऊपर आप पूरी की पूरी फिलोसफी में तो किताब है, तो बहुत लंबी चौड़ी, पर आरएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बात यही है। एक इनका स्टेटमेंट आप याद रखना, रिलीजन को ये क्या कहते हैं, ओपियम कहते हैं, रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ मासेस, है ना, जो रिलीजन है वो लेबर क्लास को दिया गया नशा है। ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट एथिक्स थी। फिर हम लोग बात करेंगे फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में। अब फेमिनिस्ट एथिक्स क्या है कि जो ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स या मेल्स, मेल्स भी होते हैं इसमें, तो ये लोग आंदोलन करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितने भी काम हुए वो पेट्रियार्कल है, जितने भी मॉरल रूल्स बने हैं वो किसके द्वारा, मेल्स के द्वारा बनाए गए हैं। जो आप जिस चीज को मेन स्ट्रीम कह रहे हो वो क्या है, मेल स्ट्रीम है, तो इसलिए आपको जो मॉरल रूल्स हैं उनको रीडिफाइन करने की जरूरत है सर। तो आप क्या करोगे इसके लिए। अब इसमें क्या है, जैसे आप जनरली माना जाता है कि अब फैमिली है, तो फैमिली में क्या है कि फैमिली में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है ना, उसका गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पर फेमिनिस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ये लोग तो फैमिली में जितने भी एक्सप्लोइटेटिव एक्ट हैं वो जारी रहेंगे इतने सालों से जो चले आ रहे हैं। तो इसलिए ये फेमिनिस्ट की बेसिक विचारधारा है। अब इसमें जो एक बार हम लोग इसको रीड आउट करते हैं क्या कह रहे हैं ये, अकॉर्डिंग टू देम सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, है ना, मॉरल रूल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय मेल्स टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रीडिफाइन मॉरल रूल्स। अब जो कार्ल मार्क्स है वो क्या कह रहे थे, मॉरल रूल्स बनाए हैं कैपिटलिस्ट ने, ये कह रहे हैं मेल्स ने बनाए हैं। जनरली विच इज मेन स्ट्रीम इज एक्चुअली मेल स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम अपन मानते हैं वो एक्चुअली मेल स्ट्रीम है क्योंकि मेल्स द्वारा बनाए गए हैं। फिर जनरली इट इज बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन प्राइवेट लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव एक्ट्स, है ना, दैट हैपन इन प्राइवेट लाइफ, देयरफॉर दे बिलीव दैट गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इज नेसेसरी। ठीक है, एक्सप्लॉइटेटिव एक्ट को बचाने के लिए या फिर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नेसेसरी है। तो और जो लॉज रिलेटेड टू वुमेन है वो इंस्पायर्ड होते हैं किससे, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से। अब आगे देखते हैं ब्लैक एथिक्स। ये देखो मैंने, वैसे तो फोटो का कोई वो नहीं है पर ठीक है, ठीक लगता है, ये कोई आंदोलन चल रहा है फेमिनिस्ट द्वारा तो ये उसका है। फिर ये ब्लैक एथिक्स है, तो ये ब्लैक एथिक्स में देखो, अकॉर्डिंग टू देम मॉरल रूल्स जो फॉर्मुलेट हुए हैं वो कौन कर रहा है, जो सफेद लोग हैं, गोरे लोग हैं वो करते हैं, और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि मॉरल जो कैरेक्टर है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू देम व्हाइट्स हु हैव डिसाइडेड द मॉरल कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, वेयर इज मोरालिटी इज नॉट बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। फिर रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर करके इन्होंने ये आंदोलन चलाया, जो ये ऊपर जो फोटो है उसमें देख लो। फिर दे कॉल्ड अपॉन ब्लैक्स दैट दे शुड नॉट सफर फ्रॉम इन्फीरियोरिटी ड्यू टू कलर ऑफ द स्किन, है ना, स्किन की कलर की वजह से। ये कह रहे हैं कि जो लोग रंग में काले हैं या फिर बिल्कुल सफेद नहीं है उनको भी इन्फीरियर फील नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो और इसके लिए ये लोग अपोज करते हैं क्या, फेयरनेस क्रीम्स जैसी चीजों को भी ये अपोज करते हैं। तो ये ब्लैक एथिक्स है। फिर आती है फ्राइडन एथिक्स। अब देखो फ्राइड के बारे में, वैसे तो फ्राइड के साथ इंसाफ नहीं किया आरएस वालों ने, आरएस मेंस में बिहेवियर में है ना, पहले फ्राइड का अच्छा खासा पोर्शन था सिलेबस में और इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी जो थ्योरीज हैं वो है। पर देखो एथिक्स के तौर पे हम लोग देखें तो ये क्या है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में देखो लगभग 20,000 लोगों का इलाज किया था, 20,000 लोगों का इलाज। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो ओशो है, ओशो की जो फिलोसफी है वो फिलोसफी भी फ्राइड की फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है।
चलो वो सब अपन लोग नहीं देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सिगमंड फ्राइड, ही वाज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, है ना, साइकोलॉजिस्ट है हु स्टडीड ह्यूमन पर्सनालिटी एंड दिस स्टडी इज कॉल्ड साइको एनालिसिस। ये साइको एनालिसिस करते थे, मतलब ये जो भी स्टडीज करते थे उसको साइको एनालिसिस नाम दिया हुआ। इनके अकॉर्डिंग क्या है, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ माइंड, है ना, इसमें देखो तीन पार्ट इन्होंने बताए हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस होता है, और एक इसमें तीसरा लिखा हुआ नहीं, सबकॉन्शियस। ये तीन पार्ट इन्होंने माइंड के बताए हैं, और ये कह रहे हैं देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, है ना। ये आइसबर्ग मॉडल भी आप याद रखो, तो वैसे आप है ना इसको बना करके आओ तो ऐसे भी बना करके आ सकते हो सीधा, ठीक है। ये है, ये जो पार्ट होता है ये आपका कॉन्शियस पार्ट है, जबकि आपका जो ज्यादातर छुपा हुआ पार्ट है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपका कॉन्शियस पार्ट है, और ज्यादातर छुपा हुआ पार्ट है वो आपका अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस है। फिर ये थ्री फॉर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड, ईगो और सुपर ईगो को समझने के लिए हम पहले इसको रीड आउट करते हैं, और फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ी सी समझ में आए। देखो इड क्या होती है, इड होती है बेसिक अर्जेस, है ना, बेसिक अर्जेस या डिजायर है इंसान की, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल डिजायर्स, ये सारी इंसान जब पैदा होता है उसके साथ में ही आती है, और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसके अलावा और भी इड्स डेवलप हो जाती है इंसान में, और ये प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है कि उस काम को करने में उस इंसान को उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सुख आता है, वो बहुत सुख आता है, तो वो ये काम करना चाहता है इंस्टेंटली, है ना, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स चाहिए, तो ये इड है। फिर सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो क्या कहती है, सोशल मोरालिटी के साथ डेवलप होती है, और जैसा सोसाइटी चाहती है इंसान वैसा बिहेवियर करे, ये एक मोरालिटी प्रिंसिपल बन जाता है। और मतलब जैसे मान लो कि आप सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, तो जो सुपर ईगो है ना वो आपको कहेगा कि आप ऐसे ही कपड़े पहनो, और जो जैसे इड है, इड आपको कहेगा बिल्कुल ओपोजिट बात करेगा, है ना, जिससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले वो कपड़े पहनो। और ईगो है तो ईगो क्या कहेगा, ईगो कहता है कि आपको है ना बैलेंस बना करके चलना है, ये रियल पर्सनैलिटी है इंसान की, और ये क्या है, इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना करके चलती है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल्स के नाम भी याद रखना, ये रियलिटी प्रिंसिपल, मोरालिटी प्रिंसिपल और ये प्लेजर प्रिंसिपल। इसमें जैसे मान लो कि आज किसी को गोवा जाना है ना, अब किसी के मन में विचार आया कि गोवा जाके आते हैं, तो उसका इड क्या कहेगा कि चलो गोवा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं भाई एग्जाम है, गोवा तो बिल्कुल कैंसिल। पर ईगो क्या कहेगा कि यार ये गोवा तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, एग्जाम भी नहीं है, तो आसपास कहीं घुमाते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये ईगो मेंटेन करता है किसके बीच में, इड और सुपर ईगो के बीच में। और जो वैसे अगर मोरालिटी की बात करें या फिर जो स्ट्रगल है इसके बीच में, जो इड और सुपर ईगो के बीच में हमेशा चलता रहता है, तो फ्राइड कहते हैं कि इनके बीच में जो बैलेंस है ना वो बना के रखना चाहिए, जो ईगो जिसका काम करती है तो ईगो को सेटिस्फाई होने देना चाहिए, परंतु इड और सुपर ईगो की तरफ नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज बेसिक देखे मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, मॉडर्न आइडियोलॉजीज के बारे में। अब हम लोग कल के लेक्चर में नॉर्मेटिव एथिक्स के जो सारे हमने डियोन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और वर्च्यू एथिक्स देखे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं भी होगा तो एक दो लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो और एथिक्स में बस यही है एक बड़ा टॉपिक, इसके अलावा और कोई इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।